कोपो ने लॉन्च कर दिया, अरे मैं सॉरी, पोको ने अपना लॉन्च करने वाला है ग्लोबली मार्केट में नवंबर 9 को, पोको M4 Pro 5G 9 को ग्लोबल मार्केट में। तो इसी के साथ इंडिया में भी पोको M4 5G इसी महीने आ रहा है, यानी कि नवंबर में। आप लोग बोलोगे कैसे आएगा, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रेडमी नोट 11 चाइना का है वो सेम टू सेम पोको M4 5G रहने वाला है, क्योंकि जो दोनों का मॉडल नंबर है वो BIS पे सर्टिफाइड हो गया है और लीक से साबित हुआ है कि दोनों में सेम चीज़ रहने वाला है, क्योंकि इंडियन BIS पे सर्टिफाइड हुआ, दोनों का मॉडल नंबर सेम, मतलब सेम स्पेक होने वाला है। और जो चाइना में रेडमी नोट 11 है वो इंडिया में आ रहा है पोको M4 Pro 5G। तो बात करें अगर इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलेगा फुल HD का 120Hz IPS LCD, जो कि इसमें सुपर एमोलेड आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसकी ब्राइटनेस अच्छी खासी रहेगी 500 nits 600 nits। अब वहीं बात करें इसकी कैमरा को लेकर, तो इसमें आपको मिलेगा 50MP का ट्रिपल कैमरा, और जो कि क्वाड कैमरा नहीं होगा, एक कैमरा यहाँ पर काटा गया है पोस्ट कटिंग की। और हम बात करें फ्रंट कैमरा की, इसमें आपको मिलेगा 16MP का सेल्फी शूटर इन डिस्प्ले, जो कि पहले आप देखोगे तो 12-13 में 13 मेगापिक्सल था सोमी का जो फ़ोन था, लेकिन अब 16 मेगापिक्सल पर शिफ्ट हो गया है। वहीं बात करें इसकी सबसे बिग पॉइंट प्रोसेसर की, इसमें आपको मिलेगा इस बार स्नैपड्रैगन नहीं, इस बार भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 810, जो कि 5G प्रोसेसर है। अगर बात करें इसकी अनटूटू की, तो ये आपको 4 लाख 4.5 लाख अनटूटू के आसपास दे चुका है। और जो ये फ़ोन है ना, ये 2 स्टोरेज में आएगा, एक 6 GB और एक 8 GB, 4 GB में नहीं आएगा, 6 GB 128 GB, 8 GB 128 GB, जो कि काफ़ी बढ़िया प्राइस होगा। और जो इसका स्टोरेज होगा ये होगा UFS 2.0 स्टोरेज, जो कि मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। वहीं बात करें इसकी नेक्स्ट फीचर, जो कि आप लोग सब इंतजार कर रहे थे, चार्जर कितना फास्ट होने वाला है। इस बार पोको ने सरप्राइज कर दिया, इस बार आपको 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वाट का फास्ट चार्जर मिला है, जो कि पोको M3 Pro में 18 वाट था, तो लोग निराश थे। और ऐसे भी पोको M3 Pro उतना सक्सेसफुल नहीं है, आप जाकर उसका सेल सर्च कर सकते हैं, बहुत ही कम सेल हुआ है। तो 5000 mAh बैटरी और 33 वाट लगभग आपको 1 घंटा 40 मिनट में 30 मिनट में फुल चार्ज करके दे देगा। अब बात करूँ इसकी OS, बहुत ही बड़ा पॉइंट, क्योंकि MIUI के OS काफ़ी ही निराश करते, लेकिन इस बार आपको नहीं, MIUI 12.5 आने वाला है आपको 8/22, क्योंकि मैंने अपने, मेरा एक फ्रेंड है टेक्निकल एंड आर्ट्स, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके, और नहीं तो मैं, आप अगर आप पूछोगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। उसने मेरे को बताया कि इस बार MIUI 12.5 में जो नया वाला आ रहा है इनहेंस्ड एडिशन, उसमें काफ़ी ही कम बग देखने को मिलेगा। तो ये बात तो मेरे को अच्छी लगी, और आपको इसी के साथ एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि काफ़ी ही बढ़िया है। अब मेन थिंग बात को देखें, डिजाइन प्राइस, जो डिजाइन है ना वो रेडमी नोट 11 सेम टू सेम रहेगा, बस कलर चेंज होंगे, बस कलर और प्राइस दो चीज़ चेंज होगा। तो बात करूँ कलर की, तो आपको 2-3 कलर देखने को मिल जाएगा, अभी तो कलर उतना पता है, हाँ, लेकिन प्राइस के मामले में बहुत ही एग्रेसिव होगा, क्योंकि नोट 11 और पोको M4 Pro में इंडिया में दोनों अलग है, लेकिन जो बात करें ग्लोबली तो सेम है। तो इंडिया में इसकी प्राइस रहने वाली है 13,000 से लेकर 14,000 के बीच में, काफ़ी एग्रेसिव प्राइस यहाँ पर आने वाले। और ये जो फ़ोन है ना, नवंबर के मिडिल वीक में लॉन्च होने वाली, यानी कि 25-20 के लगभग लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, तब तक के लिए बाय बाय।